नमस्कार डॉक्टर अब्दे कायम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। संदीप, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। श्योर श्योर श्योर। या I feel tech team, can you please make me and Dr. Abdikan Chintanwala the co-host and host, please? I request the tech team to make me and Dr. Abdik, I am co-host, please. थैंक यू। नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अब्दे कायम चिंतनवाला हमसे चर्चा करेंगे टॉपिक पर। नमस्कार डॉक्टर अब्दे कायम चिंतनवाला, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े। आज हमारे साथ डॉक्टर डिस्कस करेंगे इंजरी केसेस पेट कैसे ट्रीटमेंट करना है। और डॉक्टर अब्दे कायम, ओवर टू यू प्लीज। या संदीप जी, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, वेलकम, सभी लोग वेलकम। और थैंक यू और एक बार मुझे चांस देने के लिए। ये दिखाता है कि शायद पिछला वेबिनार काफी अच्छा था, और एक चांस मिला मुझे। जब आप बुलाना बंद कर देंगे मैं समझ जाऊंगा मेरा वेबिनार अच्छा नहीं था शायद। नहीं सर, हम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पिछले बार का केस आपको अच्छा लगा? वियोल ऑडोराटा जो केस था वो काफी अच्छा केस था मेरे हिसाब से। वो हार्ट का केस था शायद ना, तो आप लोग को सब समझ में आ गया वो केस। तो अभी yes. हम इंजरी पे जाएंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और संदीप जी, मेरे पास 45 मिनट्स है ना? यस सर। ओके, इंजरी टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग लगा मुझे बिकॉज जब हम पढ़ते थे हमारा होम पे थे, तो हमको बेसिक तीन चार दवाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि आर्निका है, हाइपेरिका मेल, एडम्पाल है। बट मेरे प्रैक्टिस में मैंने ऐसे देखा कि ऐसे बहुत सारे रेमेडीज है जो हम कभी यूज नहीं करते बिकॉज हमारे ऑलरेडी थॉट्स पूरे रहते हैं कि ये चार पांच दवाई अच्छी काम करती है, और हम सोचते नहीं उसके ऊपर। तो क्या होता है कि हम अच्छी जो रेमेडी जो यूज करना चाहिए कभी कभी वो भी यूज नहीं कर पाते हैं। मेरे ऐसे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है 25 साल के अंदर, जहां मैंने कुछ अलग दवाई यूज की, और उसके मैं आपको एग्जांपल्स करके बताऊंगा, और एक सबसे पहले केस दिखाऊंगा, लाइफ केस, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एंड जब मैं केस बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको रेमेडी आ भी जाए बिकॉज के बहुत इजी है। बट बहुत बार होम्योपैथी में ऐसा होता है जो चीज इजी रहती है वो शायद दिखने में या समझने में डिफिकल्टी जाती है। सो हम पहले वो एक केस डिस्कस करेंगे, और केस के बाद कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगा जिसमें मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं व्हेन आई हैव यूज, जब वो रेमेडी मैंने यूज किया हूँ दूसरे कंडीशंस के ऊपर। सो आज का इसलिए मेरा टॉपिक भी वही था कि रेमेडीज फॉर इंजरी लुक बियॉन्ड आर्निका, लेडम्पाल एंड हाइपेरिकम। तो मैं ये बेसिकली ये जान के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आर्निका, लेडम्पाल, हाइपेरिकम तो आपको आता है, तो शायद मैं वो टच ना कर सकूं बिकॉज मुझे पता है आप सभी अकम्प्लिश्ड होम्योपैथ से, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, और हम ये माध्यम से कोशिश करेंगे कि दूसरी रेमेडीज जानने के लिए होम्योपैथी में क्या हो सकती है। आपको मेरा ये दिख रहा है ये स्लाइड्स डॉक्टर संदीप? हाँ जी सर, वी कैन दिख रहा है।
सो सबसे पहले हम एक केस शुरू करेंगे और ये केस में आपको ये दिखाऊंगा कि इंजुरी हमने कैसा ठीक किया और कैसा हमारी होम्योपैथी मेडिसिन इफ राइट सिमिलर में देते हैं तो कितना पावर होम्योपैथी में ठीक करने के लिए। और ये बिल्कुल लाइव केस है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये केस है एक 50 पर्सन का पोस्ट ऑपरेटिव। मैं इसको शायद इसमें देखता हूँ स्लाइड शो ताकि आपको बड़ा दिख पाएगा। आप देखिए पहले हो दिख पा रहा है अभी स्लाइड मेरा तो संदीप? हाँ जी दिख रहा है ना। सो ये अच्छे से दिख पाए। 50 साल का एक व्यक्ति है जिनको पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ सर्जिकल ट्रॉमा। एक्चुअली ये पेशेंट को 2 साल पहले कुलिस फ्रैक्चर हुआ था। कुलिस फ्रैक्चर मतलब वो फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और उसके वजह से काफी लंबा उनको एक स्प्लिंट लगाया गया था। इसमें 4 से 5 स्क्रूज थे और उस टाइम पे जब एनेस्थीसिया दिया गया था, जनरल जीए दिया गया था, तो उसका उस टाइम पेशेंट को थोड़ा रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया था। तो इस बार पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर को भाई हम कोशिश करेंगे कि आपको जीए ना दे और एक ब्लॉक एनेस्थीसिया दे। ब्लॉक एनेस्थीसिया मतलब एक्सिलरी नर्व के अंदर और यहाँ पे एक एनेस्थीसिया था, ये हाथ पूरा पार्ट टिल द ईयर इज टोटली एनेस्थाइज्ड एंड देन वी ऑपरेट कर सकते हैं आप। उसने डिसाइड किया ब्लॉक देने के लिए। अब मैं एग्जैक्टली आपको रूटीन बता दो क्या हुआ। जब भी मैं आपको कोई पार्ट ना समझे तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं, बिकॉज केस इंटरेस्टिंग है इसलिए आपको पूरा केस समझना बहुत जरूरी है। ये सर्जरी शुरू हुई सवेरे 7:15 और 9 बजे कंप्लीट हो गई। पेशेंट वॉज सेमी अवेक, saw his hand which was tied to a rod so that it did not fall. मतलब पेशेंट को जब बाहर निकला गया तो उसका हाथ बांध दिया गया था एक डंडे से जो हमारा सर्जिकल बेड रहता है, ताकि हाथ नीचे गिर ना जाए। तो होल हैंड वॉज एनेस्थेटाइज, कोई भी सेंसेशन नहीं था पेशेंट को फिंगर्स पे, आर्म्स पे और नेक पे। पेशेंट ने मूव करने का कोशिश किया लेकिन उसके फिंगर्स भी हला नहीं पाया वो, एंड आर्म भी हला नहीं पा रहा था। सो पेशेंट फेल्ट के एनेस्थीसिया उसके हाथ में शायद बहुत ज्यादा चले गया है और शायद उसका हाथ पैरलाइज हो जाएगा, शायद कभी भी वो हाथ मूव नहीं कर पाएंगे। पेशेंट थोड़ा टेंशन में आ गया तो उसने डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, रात को 8 बजे तक आपका धीरे धीरे सेंसेशन आ जाएगा, किसी किसी को 24 घंटे बाद आता है बट जनरली आ जाएगा, और अगले दिन सवेरे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन पेशेंट थोड़ा पैनिकी था। पेशेंट कौन था वो आपको सब बताऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइए। पेशेंट ने एक होमली दवाई मंगाई, बोले मेरे को ये दवाई भेज दो, और उसने वो होमली दवाई ले ली। उसके पहले उसने जो सिम्टम बताया डॉक्टर वो भी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जब उठ के टॉयलेट जाने की कोशिश किया तो वो चल भी नहीं पा रहा था, वो इतना घबराया हुआ था और बेड से रिंग गया और धीरे धीरे बेड में जाके फिर स्लाइड्स डाउन बोलते हैं वो चले गया। एंड पेशेंट को फियर था क्योंकि मूवमेंट नहीं था, वीकनेस बहुत आ गया था और क्या होने वाला है। तो पेशेंट ने दवाई बुलाया और 10:15 उसने पहला डोज लिया होम्योपैथी का। अबाउट 11:15 से 11:20 तक उसको कॉन्शियसनेस पूरा आना शुरू हुआ एंड पहली बार उसने अपने फिंगर्स हलाए, ही कुड मूव द फिंगर्स, और उसने बोला उसके रिलेटिव को, उसके मिसिस को कि मुझे भूख लग रही है। बट डॉक्टर ने कहा गया था कि 12 बजे पहले कुछ खाना मत क्योंकि एनेस्थीसिया उल्टे हो जाएंगे, बट पेशेंट को इतनी भूख लग रही थी कि उसने 12:15 ही पहली बार उसने कुछ तो भी खाया बिकॉज बहुत भूख लग रही थी, बट उसकी वाइफ ने भी उसको बहुत कम खाना दिया ताकि वॉमिटिंग ना हो। 12:30 पेशेंट ने अपना हाथ थोड़ा मूव करना शुरू किया एंड जिससे जो नॉट लगा था उसने वो निकाल दिया और अभी वो हाथ होल्ड कर पा रहा था, मतलब गिर नहीं जा रहा था उसका हाथ, एंड उसके खुद के हाथ से उसने थोड़ा बहुत 12:30 बजे खाना खाया और ग्रेजुअली देखे धीरे धीरे करके राउंड अबाउट 2:30 को पेशेंट ने हॉस्पिटल रूम चेंज किया और बैठ गया और डॉक्टर को बोला कि अभी मुझे घर जाना है। 7:15 बजे ऑपरेशन हुआ और पेशेंट इज रेडी एट 2:30 कि मुझे भी घर जाना है। तो डॉक्टर आया बोले आप अभी जा नहीं सकते, वो भी थोड़ा सरप्राइज था, आप जा नहीं सकते बिकॉज उसको और एक सर्जरी है 3 बजे, तो बोले अपन 3 बजे के बाद देखेंगे। डॉक्टर ने सर्जरी फिनिश किया एंड फिर वापस आया तो देखा तो पेशेंट बिल्कुल तैयार था जाने के लिए एंड डॉक्टर बोला ठीक है अगर आपको ठीक लग रहा है आप घर जा सकते हैं।
पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लिख के दिए और पेशेंट ने बोला कि मैं पेन किलर सर नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी होम्योपैथी दवाई खा ली है। तो डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि मैंने आपका स्किन से लेके बोन्स तक गया हूँ, ऑपरेशन 1.5 घंटा चला है, आपको स्क्रूज निकाले, तो आपको पेन किलर्स तो खाने पड़ेंगे। बट पेशेंट वॉज श्योर कि इतना जल्दी, डॉक्टर खुद सरप्राइज था कि जो 8 बजे एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाने वाला था सडनली पेशेंट 3 बजे जा रहा है। तो डॉक्टर बोला कम से कम एक तो पेन किलर खा लेना। सो पेशेंट ने बोला ठीक है हम देखेंगे डॉक्टर साहब। नेक्स्ट डे पेशेंट के हाथ पे एक वसाइकल आ गया। वसाइकल मतलब क्यों आया वसाइकल एनीबडी? पेशेंट के हाथ पे बहुत बड़े वसाइकल्स आ गए 3-4। आप बोल सकते क्यों वसाइकल आया एनीबडी? कोशिश करिए सोचने के लिए, पूरा वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली मैंने आपको बताया व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी वसाइकल क्यों आया एनीबडी? डॉक्टर संदीप किसने लिखा है चैट बॉक्स में, बिकॉज मैं देख नहीं पा रहा हूं। साइड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया। यस मैडम, क्या साइड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया आई या फिर थिंक हम बोल सकते हैं कि हेरिंग्स लॉ ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन मेबी। में भी, या बिकॉज एनेस्थीसिया के इफेक्ट तो मेडिसिन 2 घंटे में निकाल दिया ना। जो पेशेंट को 8 बजे एनेस्थीसिया जाने वाला था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रह सकता था, वो तो 3 बजे घर चले गया ना। दिस इज द पावर आई एम सीइंग दैट, दैट्स व्हाई। तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पेशेंट को आया और पेशेंट बिल्कुल 100% श्योर था कि अभी मुझे पेन किलर, एक भी पेन किलर पेशेंट ने नहीं खाया। और डॉक्टर ने बोला था 10 से 14 दिन लगेंगे स्टिच को हील करने के लिए, बट पेशेंट के स्टिच विद इन 6 दिन पूरे ठीक हो गए, निकल गए। और जो डीपेस्ट स्टिच था जो डॉक्टर ने बोला था शायद उसको हमको निकालना पड़ेगा, वो भी अपने आप पेशेंट ने धीरे से थ्रेड निकाल दिया। और फिर उसके बाद जब ऑर्थोपेडिक के पास पेशेंट गया वापस दिखाने के लिए, तो उसने बोला आपका हीलिंग पावर, पेशेंट का हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए शायद जल्दी ठीक हो गया, अदरवाइज उसको इतना टाइम लगा नहीं। तो मैं आपको पेशेंट को फोटो दिखाता हूँ अभी, हेरिंग लॉ। ये देखिए, ये पेशेंट को जो वसाइकल्स आए थे हाथ में, ये रिस्ट के नीचे, ये रिस्ट है और वो रिस्ट के नीचे वसाइकल्स, देखिए बहुत सारे हैं, कुछ 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 बड़े हो गए और कुछ कुछ बहुत छोटे हैं। और आफ्टर 6 डेज देखिए वुंड पूरा हील हो गया है, एब्सोल्युटली हील, देयर इज नथिंग इन द हैंड। तो ये पूरा आपको केस दिखाया। अभी मुझे बताइए आपके हिसाब से जो भी आपको सीक्वेंस दिखाया केस का, और पेशेंट कौन था मैं बता देता हूं। आप मेरे हाथ देख पा रहे? ये मैं ही पेशेंट, लाइव केस है। तो ये मेरा ही केस है जो मैंने ठीक किया हूं विदाउट पेन किलर्स, विदाउट एंटीबायोटिक्स, विथ होम्योपैथी एनेस्थीसिया को पूरे नील करने के, बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा था कि हाथ पैरालाइज होगा तो क्या करेंगे, और उसके बाद जो भी सिम्टम्स आए वो। सो अभी हम या एब्सोल्युटली राइट, आई हैड बैंडेज इन द लास्ट सेशन, फैंटास्टिक। हु इज दिस, ये कौन डॉक्टर? डॉक्टर वीना। आपका मैं बोल सकता हूँ ऑब्जर्वेशन बहुत कीन है, दिस इज वॉट वी वॉन्ट इन होम्योपैथी, कीन ऑब्जर्वेशन, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। एंड दैट वॉज द डे व्हेन आई ऑपरेटेड, यू नो मैं ऑपरेशन के बाद डायरेक्ट लाइव लिया था, बिकॉज मुझे लाइव लेना भी था। बहुत अच्छा, वेरी गुड, फैंटेस्टिक, कीप इट अप। अभी आपको क्या लगता है, मतलब सेमी कॉन्शियस कंडीशन में मैंने किताब बुलाया, 2-3 ड्रग्स पढ़ा, मैंने ये ड्रग लेके आओ, आई टुक दैट डोज एंड एवरीथिंग वाज ओके विथ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगता है क्या ड्रग हो सकता है? संदीप जी आपका ग्रुप काफी अच्छा है, मतलब इतना फास्ट, इतना कीन ऑब्जर्वेशन इज फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सर। डॉक्टर मोहिनी सेज एसिटिक एसिड, ओके, एनीथिंग एल्स? एनीबडी एनीथिंग एल्स? सी अपन सब सीखने के लिए बैठे हैं, तो मैं भी कुछ सीख रहा, ओके, और कुछ? स्टेफ, यस, डॉक्टर मोहिनी से स्टेफ सेगरिया, डॉक्टर वीना से स्टेफ सेगरिया, वेरी नाइस, रेस्टॉक्स, वेरी नाइस। और मैं बहुत खुश हूं कि अभी तक किसने आर्निका नहीं बोला। मेरे असिस्टेंट मेरे साथ में थे हॉस्पिटल में, तो सर आर्निका पक्का है, ये पक्का आर्निका है, क्लीन क्लीन कट इंजरी है तो रेस्टॉक्स पक्का है, बट डोंट अंडरस्टैंड कि उस टाइम मेरे को सिम्टम्स क्या थे, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। आपको क्या लगता है? और
कुछ आएंगे इनपुट्स कि हम तुरंत चले जाए डायरेक्ट इस पे रेमेडी पे, इसलिए मैंने लिखा है इट हैज टू बी बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड व्हाट वी से दैट इज अर्निका, रस्टॉक्स, हाइपरिका, उसके ऊपर हमको सोचना है तो हम अच्छे से और कर पाएंगे। रस्टॉक्स के ऊपर किसी को हम रेमेडी बता दें, लिडम्पल, ओके बराबर है, लिडम्पल भी ठीक है। अभी मैंने दो तीन चीज आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सामने एलन स्कीनोट है, किसी के सामने एलन सबसे मेन सिम्टम, अभी हम बेसिक बुक पढ़ेंगे तो सबसे मेन सिम्टम क्या लिया प्रिस्क्रिप्शन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब घबरा गया था, मेरे को इंजुरी हो गई थी और बेसिकली आई वॉज वेरी वीक, आई कुड नॉट वॉक, ओके। और ये सब कुछ क्यों हुआ था, आफ्टर एनेस्थीसिया, ठीक है। अगर आप एलन स्कीनोट देखेंगे उसके आई थिंक थर्ड और फोर्थ लाइन, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरीज आफ्टर सर्जिकल शॉक आफ्टर एनेस्थीसिया, सिंगल लाइन सिम्टम। सो द रेमेडी वॉज वेरी क्लियर, आई थिंक वी हैव सम रेमेडी, एकोनेट, ओके फाइन। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन मीन्स पेशेंट सिर्फ बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था, आफ्टर इंजुरीज आफ्टर सर्जिकल शॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि भाई घबरा गया था पेशेंट कि भाई हाथ हलेगा कि नहीं कभी, दैट एंग्जाइटी था आफ्टर सर्जिकल शॉक आफ्टर एनेस्थीसिया। पूरे मटर मेडिकल में सिर्फ एक ही रेमेडी है, आई टुक इन द सेमी कोमा कंडीशन एसिटिक एसिड 1 mg सिंगल डोज, एंड दैट्स व्हाई हेरिंग लॉ ऑफ क्योर आल्सो केम, बिकॉज़ द रेमेडी वाज राइट। उसके वजह से ही नो पेन किलर्स, बिलीव मी, एक भी पेन किलर नहीं लिया गया। दैट इज द पावर ऑफ होम्योपैथी, प्रोवाइडेड योर प्रिस्क्रिप्शन हैज टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट, यू नो एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ये सब प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली हमारे इसलिए बैठने चाहिए बिकॉज के सिम्टम आपने क्या यूज की। आपने अगर सिंपल एनेस्थीसिया लिया तो फास्फोरस भी आ सकता है, आपने सिंपल लिया बहुत सारे ड्रग आ सकते हैं, बट सिर्फ सिम्टम, उस सिम्टम कैसा बॉडी दिखाता है, और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर भी एग्जैक्टली वहीं पे आया था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का ब्यूटी यही है कि इट इज बेसिकली पैथी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, और आप जितना अच्छे से उसको समझ पाएंगे सिम्टम को, उतने अच्छे से आप उसको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। सो ये केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़े, anybody ठीक रहा, सिंपल केस था, इंजुरी के बाद लेना था मुझे तो मैंने एक ये केस लिया। इसके हम आगे जाएंगे, और फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कैल्केरिया कार्ब, पेरियोस्टम इज इंजर्ड बाय हैमर स्ट्राइकिंग इन थ्रू मसल्स इंजुरी और कॉन्ट्यूजन कॉन्ट्यूजिंग द पेरियोस्टियम। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्केरिया कार्ब, ये मैं आगे वाले आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कैल्केरिया का आपका इंपॉर्टेंस कब आता है। अब जब भी आपको कैल्केरिया का प्रिस्क्राइब करना रहा, अपन कब प्रिस्क्राइब करते हैं, ये आपको मैं आगे वाले स्लाइड, ये आपके ध्यान, ये आप ध्यान में रखिए। अभी सबसे ज्यादा बहुत लोगों ने बोले लेडम्पल लेडम्पल लेडम्पल, लेडम्पल कब देना चाहिए, हाइपरिकम कब देना चाहिए, अर्निका कब देना चाहिए, ब्रायोनिया कब देना चाहिए, और बहुत सारे रेमेडीज कब देना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने के लिए। लेडम्पल तो डेफिनेटली है, लेकिन कब, रिमेंबर लेडम्पल का ये सिम्टम कभी भी जिंदगी में भूलना मत, वूंड्स दैट ब्लीड स्कैंटिली बट आर फॉलोड बाय ए पेन, पफिनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द पार्ट, ये लाइन बिल्कुल मत भूलना, आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर वो पार्ट में पफिनेस है, पूरा थोड़ा फूल गया है और ठंडा लग रहा है पार्ट हाथ लगाने में, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ठंडा लग रहा है, गर्म मत लगाइए, गर्म लगाइए थोड़ा, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज लेडम्पल। इसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिज्म विद आर्निका एंड हाइपेरिकम, द सिम्टम वेरी मच रिजेंबल सच एज फॉलो सर्टन काइंड ऑफ इंजुरी, फॉर इंस्टेंस इंजुरी फ्रॉम स्टेपिंग ऑन द ट्रैक, फ्रॉम पंचरिंग ऑफ द नीडल्स, बट ये बहुत ड्रग्स में है, बट ब्लीडिंग स्कैंटली एंड फॉलोड बाय पफिनेस आप रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे मैं आपको चीज बताऊंगा कि इतना ज्यादा द पार्ट बिकम्स पैरालाइज्ड और स्किन पूरी मॉटल्ड रहेंगी, दिखने में लगेंगे ये लेडम्पल है, पार्ट इज पैरालाइज्ड एंड मॉटल्ड स्किन, इफ आई हैव द सिम्टम आई टेल यू। जैसे आपने नीडल पे पैर रख लिया, आपने फुट और सोल्स और हील पे, पाम्स पे स्प्लिंटर सामान चले गया, लेकिन क्या बोला मैंने, द बोन बिकम्स कोल्ड, याद रखिए कोल्ड पैरालाइज्ड एंड मॉटल्ड, थिंक अबाउट लेडम्पल।
बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। मैंने काफी केसेस देखे हैं इंजुरी में जहां मैंने भी पहले स्टेफिस एग्रिया सोचता था, आर्नी का सोचता था, बट ये सिम्टम को ट्रीटमेंट मिला ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, एंड आई वुड से विद इन आवर्स, कुछ घंटों में आपको फर्क पड़ जाएगा। बहुत बार क्या हमको स्टूडेंट्स पूछते कि सर फिर टिटेनस में क्या देना चाहिए और वो ड्रग्स क्यों देना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके नाउ नो, सेल्यूलाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन बहुत रहता है। मैंने यहाँ पे आपको बोला पफिनेस, दोनों में फर्क है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों क्यों कब देने का। हो अगर आप देखेंगे टिटेनस, इसमें क्या है, पंचर्ड पंचर्ड वुंड टू ट्रीट गिव लेडमपाल एट ऑल वंस यू विल प्रिवेंट टिटेनस, बट पंचर्ड वुड पाम्स मेरा, सोल्स मेरा, अदर पार्ट मेरा, थिंक ऑफ हाइपेरिकम, बट पंचर्ड वुड में थिंक अबाउट लेडमपाल, वो टिटेनस को तुरंत प्रिवेंट कर देना। एक प्रकार का ट्रायो रहता है, मैं बताऊँ आपको, ट्रायो पंचर्ड वुंड के लिए लेडमपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैसरेटेड वुंड सेंटिएंट नर्व्स के लिए हाइपेरिकम, ब्रूजेस के लिए आर्निका, एंड लैसरेटेड वुंड्स एंड कट्स के लिए कैलेंडुला। अभी आप मुझे बहुत बार पूछ सकते हैं सर फिर आर्निका और हाइपेरिकम में क्या करना। अब मुझे बताइए अगर मैं किससे पूछूं कि इंजुरी टू सेंटिएंट पार्ट्स हाइपेरिकम है, इसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं बताइए, इंजरी टू सेंटिएंट नर्व्स हाइपेरिकम के अलावा हम क्या सोच सकते हैं। हमको आज सीखना है हाइपेरिकम और आर्निका के ऊपर, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर सेंटिएंट पार्ट्स जैसे बेड्स ऑफ नेल, मैट्रेसेस ऑफ द नेल्स, टिप ऑफ द फिंगर्स, ये सब आपके बहुत इंजर्ड है, सेंटिएंट नर्व्स इंजर्ड है, तो आप हाइपेरिकम के अलावा क्या सोच सकते हैं, कोई बता सकता है। चैट बॉक्स में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या सोच रूटा, रहे हो, रूटा, ओके और कुछ। देखिए सेंटिएंट नर्व्स मतलब फिंगर्स, टोज, मेट्राइसिस ऑफ नेल्स, पाम्स, सोल्स, इनटॉलरेबल पेन, बिकॉज वहां नर्व्स बहुत ज्यादा रहती है ना, बहुत पेन करता है, रूटा वहां पे नहीं आएंगे। और कुछ, बेलिस पर किसने बोला है, वेरी गुड, सिलिशिया है, वेरी गुड, और कुछ। अभी बेलिस्पर और रूटा सिलिशिया मैं आपको बताऊंगा, आप जितना लिखते जाएंगे उतना मैटरमेटिक बताते जाऊंगा मैं, तो शायद मेरे 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगा, इसलिए मैं प्रिसाइसली मायरिस्टिका, ओके ओके नवजोत ने सिलिशिया बताया, ओके। अभी आपको जान के बहुत खुशी होंगी, पता नहीं आपने कभी सोचा होगा या सुना होगा, बट जब भी इंजरी टू सेंटिएंट पार्ट्स मैंने देखा है मेरी लाइफ में, पता है मैंने कौन सा ड्रग यूज किया है, कोई बता सकता है, ब्राटा कार्ब, ब्राटा कार्ब, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी टू इंजुरी टू सेंटिएंट नर्व्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राटा कार्ब, दैट्स व्हाई। और ये सिंपल कहां पे लिखा है, सिंपल एलेंस की नोट, अगर आपके एलेंस की नोट होती है तो उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार, रस्टॉक्स मक्सॉल, ये नहीं है। अभी मैं आपसे बोलू कि अगर आपको इंजुरी जॉइंट्स के अंदर हुई है और आर्नी का फेल हो गया, तब हम क्या सोचेंगे, आपका आप गिर गए स्कूटर से चलाते चलाते, आपको जॉइंट्स में पेन आ गया, आपने आर्नी का लिया, आर्नी का काम नहीं कर रहा है, फिर आप क्या सोच सकते हैं, एनीबडी, बेलिस पर, ओके। इसके अलावा अगर आपको इंजरी हुई है, पेट में लगा है, अंदरूनी मार है, अंदर से मार लगा हुआ है, मसल्स इन्वॉल्व है, तब आप बेलिस पर सोचिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मार लगा है जॉइंट्स पे, अपन घुटने पे गिरते हैं ना, जब भी एक्सीडेंट हुआ स्कूटर से गिरे घुटने पे लगता है मार, बट आर्निका ने काम नहीं किया, तब हम क्या सोचेंगे, बेलिस पर आया है, सिम्फाइटम आया है, पेट्रोलियम आया है, रस्टॉक्स आया है, रस्टॉक्स बहुत बार आते हैं नो, इसलिए आप थोड़ा ऊपर सोचिए। मैं सिंपल बताता हूं आपको, जो जिसपे मुझे बहुत रिजल्ट्स मिले, सिंपल रेमेडी। अच्छा किसने और लिखा है, कैल्केरिया कार्ब, मैं आपको बताऊंगा कैल्केरिया कार्ब कब देना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको मार लगा है जॉइंट्स में और जॉइंट वीक हो गए, आप जॉइंट बराबर यूज नहीं कर रहे हैं, प्लीज थिंक अबाउट कैल्केरिया कार्ब, इनफैक्ट गिव कैल्केरिया कार्ब, क्योंकि मैंने बोला है दैट इज कैल्केरिया कार्ब। ये जो आपको रेमेडी बता रहा था मैं, सिंपल है, ब्रायोनी अल्बा, ब्रायोनी इज ऑफन इंडिकेटेड इन इंजुरी ऑफ जॉइंट्स वेयर आर्निका वुड बी अ फेलियर,
अर्नी का फेलियर, यू सी क्या लिखा है ऑथर ने, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स वेदर ऑफ रोमांटिक कैरेक्टर और नॉट फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल और इंजुरी ब्रायोनिया। सिंपल रेमेडी, सिंपल, आप कभी फेल नहीं होंगे सब कंडीशन में। हाँ, मैं आपको बराटा कार बताना भूल गया, इंजुरी रिच इन सेंटियंट नर्व्स, आपकी किताब में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ऑफकोर्स होम्योपैथी में कहा गया कि ऑलवेज थिंक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बराटा कार। ब्राटाकार पेशेंट कैसा रहेगा, वैसे तो बहुत डल, डिजी, ड्राउजी, ड्रॉप्सी रहेगा, बट जब ब्राटाकार को इंजुरी होंगी स्पेशली सेंटियंट नर्व्स के अंदर, ये बहुत चिल्लाएगा, बहुत तकलीफ देगा। इट इज मोर इम्पोर्टेंट समटाइम्स देन आर्निका जब कॉन्स्टिट्यूशन मैच करता। क्या लिखा है, ऑफ टिश्यूज ऑफ एनिमल लाइफ एज हैंड्स एंड फीट, ये होता है ब्राटाकार। इसलिए जब भी मैं सोच रहा था इंजुरी पढ़ाने के लिए दूसरे बैच में, तो सब बोले सर इंजुरी क्या पढ़ाना, आर्निका आर्निका और हाइपेरिकम और ये सब तो है, बट मतलब नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा हूं। और ऐसी बहुत रेमेडीज है जहां पे लिखा है कि एग्जैक्टली आर्निका का इक्विवेलेंट है बट आर्निका नहीं है। एक ब्रायन ने बताया हाइपेरिकम इक्विवेलेंट टू ब्राटाकार, पर हम ब्राटाकार पहले देते हैं। सिंपल एलेंस की नोट पढ़िए, बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, बट हम बेसिकली एक अभी जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो सिंपल सिंपल कोशिश कर रहे हैं। अगर एक रेमेडी आपको बताऊं मैं कि आप गिर गए, आपको मार लग गया, आपके मैकेनिकल इंजरी हो गई एक्सटर्नल पार्ट के अंदर और आर्निका ने काम नहीं किया, अभी मैंने आपको जॉइंट बता दिया आर्निका काम नहीं क्या दवाई देना, मैं आपको सेंटियंट नर्व बता दिया क्या कब देने का, मैंने आपको बताया जॉइंट में इंजुरी है लेकिन वीकनेस ऑफ जॉइंट तो क्या करेगा आप। अभी मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली सिम्टम आर्निका के, फॉल हुआ, कंफ्यूजन हुआ, मैकेनिकल इंजरी हुई, फिर भी आप आर्निका काम नहीं किया, क्या दवाई सोच सकते हो, कोई भी बचा सकता है मेरे को, क्या दवाई सोच सकते हो? बिल्कुल आर्निका के पास, बट आर्निका आपका काम नहीं किया। रस्टक्स, कुछ देर के लिए रस्टक्स भूल जाइए। रस्टक्स में मैडम, रस्टक्स क्या है, देखो रस्टक्स अगर आपको पढ़ना है, पेशेंट आएंगे डॉक्टर साहब मेरे को इतना मांसपेशी में खिंचाना और दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, हड्डी जान दो, मेरी मांसपेशी बहुत खींच रही है, इतना पेन रहता है, पेशेंट बोलता है ऐसे लगता है मुझे मेरे बोन्स में से किसने मसल्स निकाल दिया हो, इतना पेन रस्टॉक्स में रहता है। आर्निका में क्या लिखा है, इट इज द सोरनेस इन आर्निका, द लेमनेस इन आर्निका, दैट इज आर्निका। मैं बताऊंगा आपको आगे आगे अगर मुझे टाइम मिलता है, बट मैं क्या बता रहा हूं आपको कि सेम है आर्निका। आप कभी सोच सकते हैं कि यूफ्रेशिया भी काम कर सकती है इंजुरी में, ये कोई नहीं सोच सकता, बट मेरे क्लाइंट में मुझे फेलियर्स मिलने के बाद जब पढ़ना शुरू करते ना मैथमेटिक्स का, तब पता पड़ता करे आपने क्या नहीं पढ़ा आपने। यूफ्रेशिया बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल, कंट्यूजन और मैकेनिकल इंजुरी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स, यूफ्रेशिया बिल्कुल ध्यान रखिए। मेरे पास एक पेशेंट आया था कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने आया था, तो बिकॉज के वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया तो उसने पैच किया था तो गिर गया था, आर्निका दिया काम नहीं किया, फिर मैंने देखा ये तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया, उसको पहले प्रॉब्लम था, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत डिस्चार्ज था, मतलब यूफ्रेशिया है। फिर मैंने देखा किताब में यूफ्रेशिया में एग्जैक्टली सेम लिखा था, मैंने उसको यूफ्रेशिया दिया, पेशेंट एक दिन में ठीक। अच्छा पेशेंट भी क्या बोलते, डॉक्टर साहब हमको पता होम्योपैथी में टाइम लगता है, होम्योपैथी को टाइम नहीं लगता, हमको टाइम लगता है सिलेक्ट करने के, बिकॉज हमारा मटरमेडी का बहुत वास्ट है और ये इंजुरी लोकल पार्ट, मतलब लोकल पार्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको जानना। फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक केस ऑफ मैकेनिकल इंजुरी जहां हम सोच सकते हैं एकोनाइट जैसे डॉक्टर्स ने बताया यहाँ पे, बट वहां पे ना ग्लोनाइन ना क्या बोलते हैं एकोनाइट काम करता है, ना बेलोडोना काम करता है, ना आर्निका काम करता है, उसमें लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजुरी एंड देयर लेटर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इंजुरी के बाद उसको क्या क्या तकलीफ, वो ज्वाइंट में हो रही है, पेन हो रहा है, ये हो रहा है, ये तकलीफ, वो तकलीफ, वो पेन जा ही नहीं रहा, आपने सब दवाई ट्राई कर ली बट फर्क ही नहीं पड़ रहा पेशेंट। जब पेशेंट आता है मैं एक्सीडेंट में गिर गया, मैंने बहुत बैंडेज लिया, एलोपैथी दिखाया, फिर भी मेरे को पेन रहता ही है, हम सब क्या दवाई सोचने वाले, हमारे सब नॉर्मल आदमी क्या दवाई सोचेंगे, आर्निका, सिंपल आर्निका सोचेंगे, बट अभी आर्निका काम नहीं कर रहा है और हमारा नाम बहुत बड़ा है और हमको लगता है बाप रे हमारे से ठीक नहीं हो तो कैसा हो, तो हमको पढ़ना पड़ेगा,
जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो नई नई दवाई आती जाएगी। क्या सोच सकते हैं आप दवाई? इसलिए आज का वेबिनार मुझे आदमी का हाइपरिकम के ऊपर ले जाना, आपको एक स्टेप ऊपर सीढ़ी चढ़ाना है ताकि उसमें आपको मजा आए सुनने में और प्रैक्टिस करने में। अभी ये जो मैं आपको दवाई बताने वाला, आप कभी जिंदगी में सोच नहीं होंगे, सिंपल रेमेडी इज ग्लोनाइन। कभी सोच सकते हैं हम ग्लोनाइन? आप बोलेंगे सर कहाँ है ये, कहाँ लिखा है ये सब? ये है ग्लोनाइन में एक सेंटेंस लिखा है, बैड इफेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट फ्राइट फियर मैकेनिकल इंजुरीज। उसके आगे का वर्ड पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर लेटर कॉन्सिक्वेंसेस। एंड देयर लेटर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जहां भी इंजुरी हुई है उसके बाद अगर तकलीफ चल रही है तभी हमको ग्लोनाइन सोचना है। इसलिए मैं हमेशा मेरे असिस्टेंट जो बैठे डॉक्टर हमेशा बोलता हूँ, जब तक बॉडी को सिमिलिमम नहीं मिलता, बॉडी कुछ ना कुछ बीमारी आपके सामने रखेंगी अपने आप को प्लेट में कि भैया मुझे दो मुझे दो। जैसे आपको खाना है नॉनवेज, आपके सामने लोग गुलाब जामुन रख रहे, रसमलाई रख रहे, दाल रख रहे, चावल रख रहे, बहुत बड़े होटल का, पर आपको खाना है नॉनवेज तो अभी खाएंगे कि दाल चावल? कभी नहीं खाएंगे। उसी प्रकार बॉडी को जब तक सिमिलिमम नहीं मिलेगा बॉडी आपको सिम्टम देते रहेगा, और जिस दिन मिल गया सब चीज शांत। सो जो बॉडी का डिमांड है आपको डिमांड पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हमको थोड़ा होम्योपैथी के बारे में जो हमारे सोच के रखे हमने ना, फॉर एग्जाम्पल 6 हनीमन का साफ हमेशा ध्यान रखिए, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। और ये सब दवाइयां मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये मुझे भी नहीं पता था। जब मैं वो आर्नी का देते देते फेल होते गए, आर्नी का रस्टॉक्स बेलिस्पर रोटा, जब फेल हुआ तब मेरी थोड़ी आंख खुली, पढ़ना शुरू किया और फिर मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हुए। आप समझ रहे हैं? आर यू विथ मी? सबको जम रहा है कि नहीं जम रहा है? थैंक यू सो मच। और ये मत सोचिए कि बाप रे होमिथ हमको कुछ नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था पहले, मिस्टेक कर करके सीखा हूं, इसलिए 25 साल लग गया ना प्रैक्टिस करने के लिए, और सबके साथ में होता है। अब एक बहुत अच्छी दवाई बताऊंगा आपको जो नर्स पे काम करती है, बट वो लेडमपाल भी नहीं, हाइपरिकम भी नहीं। कोई एक आदि आदमी बताइए कौन सा ड्रग हो सकता हो, किस पर काम करती है सर? जो नर्स पे काम करती है, लेकिन तो हाइपरिकम इंजुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन लेडमपाल भी नहीं, हाइपरिकम भी नहीं, स्टेफेस्गेरी है। इंजुरी टू विद शार्प ऑब्जेक्ट्स तो मैंने बताया नहीं आपको, तो इंजुरी हुई नर्व्स को, तो ये दवाई इतनी अच्छी है इसमें भी तो पेशेंट को। अभी आप सुनिए दवाई में कितनी मजा, मतलब कितना ब्यूटीफुल होमिथी मटेरियल मटेरियल, जिसने मैं हमेशा बोल एल्यूमसिफा नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो ये सिम्टम ऐसा रहता है कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे इंजुरी तो हाथ पे हुई है लेकिन पेन मुझे चेस्ट में हो रहा है, पेन मुझे थोड़ा बैक में हो रहा है। तो आप बोलेंगे अरे इसको तो इंजुरी हाथ पे हुई है तो इसको बैक में क्यों दर्द हो रहा है, ये पेशेंट थोड़ा ऐसी है। हम बोलेंगे मेंटली बराटा कर गए, हम बोलेंगे मेंटली पेशेंट को समझता नहीं, इंजुरी शॉक लगा हुआ है, हम ले लेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक आफ्टर मेंटल इंजुरी और दवाई चेंज कर। एक बात ध्यान रखिए मेरी, आप वो इंटरप्रेट मत करिए जो आपको करना है, वो इंटरप्रेट करिए जो पेशेंट बोल रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था विलो ड्रोटा का केस, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो पेशेंट बोल रहा था वही किताब में लिखा है। हमारा प्रूविंग इतना क्लासिकल है, पता है, इट्स अ ब्यूटीफुल मटर मेडिका, आप रोज पढ़ते रहेंगे ना आपको मजा आएगा बहुत। तो मुझे फिर से रेमेडीज आई है, बेलिस्पर, पल्सेटिला और कुछ दवाई आई है। अभी इंजुरीज के देख, इंजुरीज अगर मैं हम ऑफलाइन लेक्चर लेते तो उसको टाइम लगता है समझाने के लिए विद एग्जांपल्स, बट हमारे पास अभी एक ही घंटा टाइम है कि ऑलरेडी कितना टाइम हो गया है, 35 मिनट्स हो गए, 10 ही मिनट है मेरे पास। तो अभी मैं वो दवाई आपको बताऊंगा जब पेशेंट क्या बोलता है, आफ्टर इंजुरी देयर मे बी कॉम्प्रेशन बट द पेन इज इन द डिस्टेंट पार्ट, पेन इज द डिस्टेंट पार्ट, मसल्स में क्रैम्स आएंगे, तकलीफ होंगी, सिर हेडेक का सिम्टम होगा, माइंड के सिम्टम्स होंगे, बट डिस्टेंट पार्ट है। तो हम तुरंत एक फिर से एक बहुत ही अच्छी रेमेडी पढ़ेंगे आज,
आपने वो रेमेडी पढ़ी है, पता है किसके लिए आपको ड्रग आ जाएंगे, मैं बताऊं, आपने वो ड्रग पढ़ा है फॉर कन्वल्शंस, आपने ड्रग पढ़ा है कि स्किन सिम्टम जब सप्रेस करते हैं तब अगर कन्वल्शंस आ गया हम वो दवाई देंगे। अब तो आपको ड्रग आ गया, बताइए कौन सा ड्रग है? सिक्यूटा। हाँ तो अभी तो देखो सबको आ जाएगा, अभी सबको आ जाएगा, हमारा मटर मेडी का कितना स्ट्रांग है, बट वो जो पढ़ाया गया हमको वही हमने रिपीट कर दिया, हमने उसको आगे सोचा नहीं। सिंपल रेमेडी आपने जो बता, सॉरी सिकुटा विरोजा, एट प्रेजेंट डे वी फाइंड मोस्ट इंडिकेटेड इंजुरी टू नर्व्स आर लेडम एंड हाइपेरिकम। और देखिए जो लास्ट में मैं लाइन लिखा हूं, देखिए एक बार, द पेन्स बीन द डिस्टेंट पार्ट, क्या क्या हो सकता है, ड्राइंग ऑफ मसल्स, क्रैम्स, कंकशन ऑफ ब्रेन, क्रॉनिक इंजुरी, क्रॉनिक इंजुरीज फ्रॉम स्पेशली स्पाजम्स। ये लास्ट लाइन देख लीजिए एक बार, सेमीलेटरल हेडेक्स फोर्सिंग द पेशेंट टू सिट इरेक्ट। और ये पेशेंट, ये ड्रग मेरे को इसलिए दिमाग में बैठा हुआ है, मैं विजिट पे गया था, पेशेंट को बहुत पेन था एक्सट्रीमिटीज में, स्पाजम आ रहे थे और उठ के बैठा था पेशेंट, मैंने बोला भैया रेस्ट करो आप सो जाओ, आपको स्पाजम नहीं, मैं उठ के बैठता हूँ ना तो मेरे को अच्छा लगता है, हेडेक भी मेरा ठीक रहता है उसके, तो मेरे को लगा ये तो नेट्रम सल्फ है। सी बट फिर जब मैंने किताब पढ़ा, सिकुटा विरोजा सिंगल डोज 200 दिया एंड द पेशेंट वाज नॉर्मल। देखिए सिकुटा विरोजा में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, माइंड एंड हेड सिम्टम्स आफ्टर इंजुरी। अभी तक आपको कौन सा ड्रग पता था हेड सिम्टम माइंड सिम्टम इंजुरी के बाद? नेट्रम सल्फ, वेरी गुड। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा भी लेवल ऐसी था पहले, बट पढ़ पढ़ के फेल होकर डिपेंड किया, नेट्रम सल्फ हम इतना यूज करते कभी कभी क्या होता है कि हम रूटीनिस्ट बन जाते हैं। बट सिकुटा विरोजा, डोंट वेट कि पेशेंट को कन्वल्शन आएगा फिर हम सिकुटा देंगे, उसके लिए वेट मत करिए, उसको पहले दीजिए, भले उसके लिए आपको ज्यादा क्या बोलते हैं, इट इज अ थैंकलेस जॉब बोलता हूँ, ज्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कुपड़ आपको सेट मिलेगा, अभी मैंने ठीक कर दिया है, थैंकलेस जॉब है। आने वाली बीमारी को पहले कैसा ठीक करना वहीं पे रोक देना, सोरोसाइकोटिक दैट इज इंपॉर्टेंट होम प्रति, आपको उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं थैंकलेस जॉब है, आपको थैंक यू नहीं मिलेगा। सो बीमारी तक रुकिए मत, उसको ये मत देखिए कि जब मैंने इसको दिया था सिकुटा, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर ने बोला था सर उसको तो कन्वर्सन आया नहीं, तो मैंने बोला एक काम कुछ दिन रुक जा फिर कन्वर्सन आएगा फिर देना सिकुटा विरोजा, ऐसा मत करना, पहले दे देना सिकुटा विरोजा। सी इज बेसिकली अ रेमेडी, देखिए आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, टच एंड जारिंग ब्रिंग्स ऑन द कंप्लेंट्स, इवन टच एंड जारिंग ब्रिंग्स ऑन द कंप्लेंट, हेंस इट इज यूजफुल इन वाज द फर्स्ट रेमेडी फॉर इंजुरी, इरिटेबिलिटी एंड ओवर सेंसिबिलिटी। ओवर सेंसिबिलिटी और ओवर सेंसिबिलिटी क्यों लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, it is accompanied by violent choking so that he cannot allow an examination to be made. likh lijiye aapke dimag mein sikuta viroz as a classical remedy, classical remedy. itna choking rahega patient aapko examine nahi karne dega and that is sikuta viroza. my dear doctors ye bahut important hai, maine bahut acche acche case theek kiya is. ek remedy jo main aapko batana bhul gaya, sikuta viroza sabko jam gaya thi, uske aage bhi nahi batata because to hamara time kam hai, हम आगे जाएंगे। एक रेमेडी मैं आपको बताना भूल गया कि सोरनेस और पेन वो भी रेमेडी में है जैसे आर्निका में है, बट अगर वो पार्ट में हेमरेज हो गया, अगर वो पार्ट में जैसे आपको मार लग गया आपको ब्लीडिंग हो रहा है, सोरनेस भी है पेन भी है, उस टाइम क्या करेंगे, कौन सा रेमेडी दिमाग में आएंगे हमारे? कौन से दिमाग में आएंगे? अच्छा किसने लिखा है कि कौन से बुक में है? अगर मैं बोलू कि भी मेरा एक्सपीरियंस है तो आप लोग शायद नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बेसिकली अभी आपको ये नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, ये किताब में लिखा है, इट इज रिटन, आइदर यू कैन चेक क्लार्क और यू कैन चेक फाटक, दो में से किताब में लिखा है, अभी वो टाइम नहीं आएगा, अगर आपको मेरे पे पूरा भरोसा आ जाएगा फिर मैं आपको ऐसे ऐसे केस दिखाऊंगा जो किताब के अलावा मैंने देखा है इंटरप्रिटेशन, और बहुत मजा आएगा। तो वो ड्रग जो मैं बता रहा था इंजुरी, और बहुत ही अच्छा आंसर दिया किसने, बहुत क्लासिकल आंसर दिया,
एंड द रेमिडीज हेमिमेलिस ओनली। ध्यान रखिए हेमिमेलिस में, अगर मैं शायद ऊपर चले गया, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो रेमेडी में लिखा है सेम इंजुरी वाला ही रेमेडी है वो। एक मिनट हाँ, यस ये पढ़ लीजिए एक बार, वुंड्स इंजर्ड फ्रॉम फॉल, आप गिर गए ऊपर से नीचे, थोड़ा हेमरेज हो रहा है, पेन एंड सोरनेस भी है, अर्निका है, बट हेमरेज चेक करना है तो आपको देना है हेमिमेलिस। और ये ड्रग पता है मुझे क्यों याद है, एक बार एक बैंडेज की एड आती थी, बैंडेज की एड वॉश प्रूफ वाली, वाटर प्रूफ वाली, वो दिखाते थे बैंडेज लगाया, अपने पानी लगाया, फिर पानी वापस आ गया, ये हेमिमेलिस है, ब्लीडिंग हो गया, हेमरेज ठीक हो गया, सोरनेस चले गया। यहाँ अगर आपने आदमी का दे दिए तो शायद सिर्फ पेन और सोरनेस जाएगा, हेमरेज नहीं जाएगा, बाय चांस पेशेंट को क्लॉट हो जाएगा तो वो हिमाटोमा बन जाएगा, तो आपकी दवाई थोड़ी गलत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो? यस सर। समझ रहे हैं ना? मुझे बताए, मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ क्या इसमें वेबिनार में, क्या समझ में नहीं आता कि सेम समझ रहे हैं पेशेंट को, मतलब डॉक्टर्स लोग को क्यों लग रहा है क्या पढ़ा रहे सर ये, हमको अर्निका ही पढ़ा, मैं अर्निका पढ़ा सकता था आपको, बट मुझे लगा वो तो आपको आता होगा। अभी देखिए एसिड सल्फर, अभी ये रेमेडी मुझे क्यों याद है पता है, एक पेन इज प्रेशर एज ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, आपको किसी ने टीचर ने डंडे से मार दिया हाथ, अभी तो नहीं मारते थे हमारे टाइम पे, पहले मारते थे फिर पूछते थे क्या हुआ, अभी तो बच्चों को नहीं मार सकते, हमारे टाइम पे पहले मार खाते थे फिर पूछते थे क्यों ऐसा किया, तो वो जो पेन था ना पेन ब्लंट इंस्ट्रूमेंट समान, दैट इज एसिड सल्फ। और ये सेंटेंस ध्यान रखिए, ये आपने गैंग्रीन का केस अगर कभी ठीक नहीं किया एसिड सल्फ, तो ये सिम्टम पे ठीक करना, टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजुरी स्पेशली ओल्ड पीपल, ये बिल्कुल समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत केसेस आपके पास आएंगे ओल्ड जिसका भी है आपका, वो ये बंद म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अभी देखिए अपने पास पेशेंट आएगा बेचारा, एक एज है 75 years 70 years, चेयर से गिर गए, तो हो सकता उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हुआ, बट वो पार्ट पूरा थोड़ा बोलते ना नीलजंबा हो गया, ब्लैकिश ब्लूइश हो गया, अब ओल्ड एज है, ब्लड सप्लाई तकलीफ हो सकती है, डायबिटिक है, और हो सकता है ये ठीक ना हो तो उसको आगे जाके गैंग्रीन हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने फिर से बोला ये थोड़ा थैंकलेस जॉब है, आपने पहले एसिड सल्फ दे दिए पेशेंट को तो आपने गैंग्रीन होने से बचा लिया उसको। ठीक है, और हाई डायबिटिक पेशेंट है, मेरे पास पेशेंट आते जो इंसुलिन पे है और वो गिर गए और फ्रैक्चर नहीं हुआ है, पार्ट पूरा ब्लैक हो गया, अब डॉक्टर बोलता है जल्दी ठीक होना चाहिए नहीं तो आपको गैंग्रीन हो जाएगा, अब पेशेंट बोलता है ठीक है तो होते रहता है, वो मालिश करते ये करता है, वो ठीक नहीं होता, हमारे पास आता है, उसको प्लीज अर्निका मत दीजिए, उसको एसिड सल्फी दिया था गैंग्रीन, मैंने कुछ केस में मिस कर गया और उसको गैंग्रीन हुआ है, फिर मेरी बत्ती जलती है, करी अपने क्या कर दिया, एंड देन आज जो मेरे पास केस आते हैं अगर बाईचांस मुझे सिम्टम मिलता है स्पेशली हाई डायबिटिक रहा, एसिड सल्फ वर्क्स वंडरफुली, इट्स अ फैंटास्टिक रेमेडी, मेरे ख्याल से कुछ डॉक्टर्स ने चैट बॉक्स में डाले भी थे एसिड सल्फ के बारे में, और बिल्कुल राइट, हमको सिर्फ नॉर्मली 200 potency शुड वर्क, 200 potency काम कर लेती है, और इट्स अ वंडरफुल रेमेडी, नो इट्स अ फैंटास्टिक रेमेडी, और कभी कभी मैं सोचता था एसिड सल्फ तो मैंने वो वीकनेस ऑफ एसिड्स के हिसाब से वो ग्रुप स्टडी हम पढ़ते थे ना, वो ढूंढते थे वीकनेस है क्या, वीकनेस है क्या पेशेंट में, और हमारा मैट्रिमेडी का जो हमने पहले पढ़ा इतना ज्यादा हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि हम दूसरा कुछ अंदर ला नहीं सकते, तो आपको थोड़ा माइंड फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, पढ़ते रहिए रोज और बहुत मजा आएगा उनकी ट्रीटमेंट, इट्स लाइक आई कैनॉट से मैजिक है बिकॉज साइंस है ये, बट आपको जो मजा देखने मिलती है ना आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आ रही है, ठीक यार ये भी ठीक कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली आपका रीडिंग बढ़ जाएगा, इसलिए कहा गया एसिड सल्फ के अंदर बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजुरी, बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजुरी। एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है विद ब्रूजेस एंड प्रोस्ट्रेशन, अगर ये वर्ड आता है दो रेमेडी आपको सोचनी चाहिए, वन इज एसिटिक एसिड एंड सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, रिमेंबर दिस, प्रोस्ट्रेशन बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजुरी with bruises, chafing and livid skin, prostration. Prostration बहुत ही important है, बहुत important है। अब जैसे हमने मैंने बताया कि भी हमको ऊपर सोचना है apart from this normal जो remedies है वो,
शायद नॉर्मल रेमेडीज को इंजुरी पढ़ाने के लिए संदीप जी को दूसरा एक वेबिनार रखना पड़ेगा। अभी मैं वो नॉर्मल रेमेडीज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज सब सबको आता है। अभी मुझे बताइए कि आपका आप गिर गए स्कूटर से, सिंपल एग्जांपल, साइकिल से बच्चे गिर गए और उसके टेंडन पे है ना, टेंडन्स पे जहां जहां टेंडन्स है वहां मार लग गया है और हमको दिख रहा है टेंडन्स में मार लगा हुआ है, क्या सोच सकते हैं हम? रूटा रूटा। अभी मैं आपको ये बताऊं, बच्चे से पूछेंगे कि भाई आप गिर कैसे गए, ये मेरा एक्सपीरियंस बताओ। तो बच्चा बोलता है अंकल, डॉक्टर अंकल, ये क्या था, मैं साइकिल पे जा रहा था ना, तो दो रोड्स थे, मुझे लगा मैं ये रोड लू कि ये रोड लू, बिकॉज वो रोड से जल्दी पहुंचे, मेरे फ्रेंड ने पता कुछ, बट ये कंफ्यूज था और सडनली मैं गिर गया, पीछे से किसने मार दिया, गिर गया और मुझे यहाँ लग गया। अब क्या बात दिमाग में आती है आपके, रूटा तो है, अब रूटा देंगे डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला, बट हमको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो आपका थोड़ा मटेरियल का थोड़ा बेटर करना पड़ेगा अपने को। अभी मैं जो दवाई बताऊंगा ये भी बहुत आपको आउट ऑफ सिलेबस होंगे, हम बोलते हैं ना ये आउट ऑफ सिलेबस, हमने ये बीमारी पड़ी नहीं है, ये ध्यान रखिए। मेरे पास सिर्फ ये रेमेडीज से मैंने सिर्फ 7 या 8 केस ही बिल्कुल 100% विदिन 24 आवर्स ठीक किया हूं, एंड द रेमेडी अगेन, अभी मैं बता रहा आपको, दो रोड है उसको कंफ्यूजन क्या देना और वुंडेड टेंडेंस, क्या सोच सकते हैं हम? अभी मैं आपको एक एलेन स्क्रूट की लाइन बताऊंगा और आपको रेमेडी आ जाएंगे, शायद चैट बॉक्स में किसने लिखा है, कॉस्टिक कंपनी नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको बेसिकली वो वर्ड, बट आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा क्या है वो वर्ड, हैज टू व्हील्स, वन कंडेमिंग वो द अदर्स फॉरबिड, रेमेडी एनाकार्डियम, दिस इज एनाकार्डियम, वुंडेड टेंडेंस। अभी बच्चा बता रहा है कि दो रोड थे, मेरे को लगा कौन से रोड पे जाओ, तो आपको इंटरप्रेट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, ये सब मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है, एनाकार्डिया, अरे लिखा है डॉक्टर सपना ने, डॉक्टर लिखा है, ये रहता है होम्योपैथी में इंटरप्रिटेशन, और जिसका इंटरप्रिटेशन सही रहा तो जो कॉमन रेमेडीज है ना उसमें पूरा होम्योपैथी आ जाए, बहुत घुमा घुमा के अगर हम बताएंगे थीम्स और ये, तो थोड़ा अच्छा रहता है बट थोड़ा कंफ्यूज जल्दी रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एनाकार्डियम, देखिए अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वुंड में पंचर्ड है, पंचर्ड वुंड है और सब जगह से हेमरेज हो रहा है, बट पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे ऐसा झटके समान दर्द हो रहा है, झटके लग रहा है, करंट के समान दर्द हो रहा है, पार्ट लोकल पार्ट इंजर्ड पंचर्ड वुंड बट पेन इज लाइक इलेक्ट्रिक करंट, तब हम क्या सोचेंगे? ओके, उसके हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, सिमेसी फुगा, उसमें सिमेसी फुगा में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम अगर हम देखा जाए, अगर जितना नॉलेज ऑफ हमारा एमएम जाता है, अगर आप सिमेसी फुगा देखेंगे, अगर आपके पास कोई किताब होगा, सिमेसी फुगा के क्लासिकल पेन रहता है वो क्या रहता है, मॉर्निंग पेन नहीं नहीं जैसे हम सिमेसी फुगा इज अ राइट रेमेडी, वो भी रेमेडी पेन्स के लिए रहती है, बट उसके एक सिम्टम रहता है, उसको पेन कब होता है, क्यों होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। यस, सिमेसी फुगा में अगर आप देखेंगे, इट इज अ रेमेडी फॉर सीवियर न्यूरालजिया, शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन्स, ठीक है, एंड इन सिमेसी फुगा रूमेटिक पेन इन द मसल्स ऑफ द नेक, स्टिफनेस कॉन्ट्रैक्टिंग, रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल, वेयर द पेन इज क्रैम्पिंग एंड स्टिचिंग, ये है एक्टेरिस्मोस ऑफ सिमेसी फुगा। ओके, मैकफॉस किसने लिखा है, ओके ठीक है, बट हम जो बताना चाह रहे हैं वो और कुछ है, जल्दी से संदीप जी कितना टाइम बचा है मेरे पास, अगर पेशेंट बोलता है वुंड है पंचर्ड है ब्लीडिंग हो रहा है बट झटके झटके मारो, पेशेंट बोलता है झटके मार रहा है, ऐसे लगता है नस लग गई मेरी वहां से, इलेक्ट्रिक करंट समान झटके मार रहा है,
प्लीज थिंक अबाउट अ वेरी रेयर रेमेडी एंड दैट इज एरेनिया डायडाना. एरेनिया डायडाना अभी मैं आपको एक इंजुरी के हिसाब से मैं एक रेमेडी बताना चाहता हूं. ये इसमें आप ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है. कोई पेशेंट हम के आके बोलते हैं ना कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे एलोपैथी नहीं खाना, मुझे वो दवाई नहीं खाना है, मुझे बहुत डर लगता है मेरी हेल्थ खराब हो गई तो कोई दवाई खाने से, इसलिए मैं हमेशा डॉक्टर से पूछ के खाता हूं. क्या सोचेंगे अपन? एक रेमेडी जिसमें लिखा हुआ है फियर ऑफ इंजुरी टू हेल्थ फ्रॉम ड्रग्स. फियर ऑफ इंजुरी टू हेल्थ फ्रॉम ड्रग्स. नो नो कैलकेरेकाब हैज फियर ऑफ क्रुएल्टीज, दैट इज कैलकेरेकाब. एक दवाई लिख लीजिए फियर ऑफ इंजुरी टू हेल्थ फ्रॉम ड्रग्स. कभी कभी क्या होता है पेशेंट, मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं दवाई दे रहा हूं, सडनली पेशेंट को अक्यूट कंप्लेंट्स हो गया और वो बैठा है यूरोप में और फिर व्हाट्सएप कॉलिंग करता है डॉक्टर साहब मैं क्या लूँ सर मैं क्या लूँ. फिर हम बोलेंगे टेम्पररी किसको दिखा दीजिए होम पे डॉक्टर को या फिर एक क्रोसिन पेन के ले लीजिए. बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, मुझे आप ही बताओ. तो बहुत बार मुझे लगता था कि इसको क्या बताओ क्या बताओ. तो एक ड्रग मैंने बहुत पढ़ते पढ़ते मुझको आया, देन दैट ड्रग वॉज इपीफेगस. इपीफेगस EPIPHEGUS द रेमेडीज इपीफेगस. कितना रेमेडी है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं. इपीफेगस आपने सरप्राइजिंग माइग्रेन नहीं पढ़ा, इट्स अ फैंटास्टिक रेमेडी फॉर माइग्रेन. माइग्रेन केस जब मैं पढ़ रहा था तभी मैंने इपीफेगस में पढ़ा ही और फिर तब मुझे पता पड़ा कि ये दवाई हम बोल सकते पेशेंट बोले तो फिर वो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा कि ये हो गया, उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है. यू कैन ऑलवेज वर्क विद दैट पेशेंट. इपीफेगस अगर आपने नहीं पढ़ाया तो घर जाके पढ़िए. इपीफेगस इज अ फैंटास्टिक रेमेडी फॉर माइग्रेन. जहां तक मेरे को पता है इपीफेगस का रहता है, जब भी पेशेंट को हेडेक हो रहा है इट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय हंगर. पेशेंट बोलता है मेरे को बहुत भूख लग रही है, अब मेरे को हेडेक होने वाला और उसके मुंह से सलाइवा निकलते रहता है, बार बार थूकते रहता है, दैट इज इपीफेगस. बिल्कुल दिमाग में रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है. आप पढ़ना घर जाके आज, ठीक है? सो हम आगे बढ़े, कुछ और ड्रग्स देखे के नहीं तो आपने बोला सर मेरे को आर्निका पढ़ाया नहीं आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक मिनट, ये एक ड्रग आपको बता थोड़ा रेयर, इरिजेरॉन. ये कभी कभी क्या होता है इंडियन, इसको इंडियन ये बोलते हैं, इट कंपेयर्स एज वल्नरेरी विथ आर्निका. मतलब वुंड के लिए अगर आर्निका बाय चांस आपका काम नहीं किया तो आइदर थिंक अबाउट इरिजेरॉन और थिंक अबाउट हेलियंथस. अभी अब मैं बोल सकता है हेलियंथस इज बेसिकली अ रेयर रेमेडी, बट हेलियंथस आप लोग ने सब सुना है बिकॉज हेलियंथस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सनफ्लावर. और इसके बारे में ये लिखा गया है कि आर्निका और कैलेंडुला के समान ही काम करता है. Hansen says it equals arnica and calendula. और Hansen डॉक्टर ने इसको यूज किया था एज एन एप्लीकेशन टू wounds. So मेरे ख्याल से हमारा टाइम संदीप जी शायद खत्म हो गया है, ठीक है? तो हम ज्यादा कुछ बता नहीं पाए, इतना ही बता पाए. और टाइम के हिसाब से बिकॉज आपका नेक्स्ट भी सेमिनार रहता है ना नेक्स्ट डे, तो हम इतना ज्यादा खींच नहीं सकते. मेरे ख्याल से ठीक रहा आज का जमा कुछ तो इंजुरी के बारे में. नाइस, बड़ा अच्छा था सर, बड़े डिफरेंट मेडिसिंस पता लगे तो इट वाज वेरीली नाइस. ये पूरा मेरा एक प्रकार का एक्सपीरियंस है, जहां जहां मैं फेल हुआ, जहां जहां मैंने रूटा आरने का दिया, उसके बाद का मेरा ट्रक से ही एंड मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले. आप भी अपने प्रैक्टिस में ट्राई कीजिए और जब भी अगर अच्छा लगा तो जरूर मुझे लिख के बताइए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर प्रैक्टिस में. यू नो इट इज ऑलवेज गुड टू शेयर, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो और कुछ इसके अलावा सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई एम नॉट अ डॉक्टर सो जस्ट अ जनरल क्वेश्चन. अभी जैसे यू प्लेइंग इन सम ग्रीन एरिया तो एकदम से आपको कोई थॉर्न चुभ जाता है और वो थॉर्न रह जाता है, निकाल रहे होते हो तो थोड़ा बहुत रह जाता है,
बराबर है। एनी मेडिसिन फॉर दैट सर? हाँ देखिए, अभी तो ये क्या मैं क्या सभी डॉक्टर बता देंगे इसका आंसर, कौन फॉरेन बॉडी रह गया है और फॉरेन बॉडी एक्सपेल कर दे, या तो समझ गए तो इजी, इतना होम डॉक्टर बता देंगे आप कौन। लेकिन अगर वो जो जो हम बोलते काटा अगर निकल गया है और फिर आपको पेन है, तब साइलेंशिया नहीं आएंगे, तब फिर हमारे इंजुरी फ्रॉम पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला ड्रग आए, निडल वाला, समझ रहे? ये आपको सब डॉक्टर बता देंगे। यस बराबर है, रेडम वाला आ सकता है। तो आज जाके थोड़ा आप एक्सरसाइज ये करेंगे कि आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि अभी इंजुरी में क्या क्या हम यूज, बिकॉज ये क्या बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाने में कभी कभी समझने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं एग्जाम्पल देके बता रहा था पेनाकार्डियम वाला। ये तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या थोड़ा इसमें तकलीफ होती है ऐसी, बट मैं इसलिए बताना चाहता था बिकॉज कभी कभी आर्निका बेलोडन ब्रायोनिया के ऊपर सोचे तो हमको अच्छी अच्छी रेमेडीज मिल सकती है, वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट्स आल्सो। और कुछ डॉक्टर संदीप को क्वेश्चंस बचे हैं? नेक्स्ट टाइम आकर फिर से हम लोगों को पढ़ाइएगा सर। Yes, मेरे को तो बहुत खुशी होती है अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बिकॉज जब तक हम क्लिनिकल शेयर नहीं करेंगे तो हम होम्योपैथी गुरु कभी नहीं हो सकते, एंड नो बॉडी कैन मास्टर होम्योपैथी, ये मेरा हमेशा लॉ रहा है। आप कुछ सीखिए, मैं कुछ सीखूंगा, साइंस ग्रो होता है। और डॉक्टर्स कोई सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज पूछिए, हमारे पास 4 मिनट हैं, हम मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम विद डॉक्टर अबूकर चितेवाला। डॉक्टर वीना गणेश प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर अगर किसी ओल्ड एज पेशेंट में ये दिक्कत हो कि वो थोड़ा सा भी वेट नहीं उठाकर चल सकती हैं या फिर झुक नहीं सकती हैं और उन्हें पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस केस में नहीं, मैंने मुझे वेट नहीं उठा सकता, पल्पिटेशन, वो समझ में आ गया। उसके पहले आपने क्या बोले, पेशेंट क्या हो गया उसको? वो झुक भी नहीं सकती हैं, बैक एक होता है झुकने से। हाँ। अगर कोई वेट उठा लेंगी तो फिर पल्पिटेशन, वो वेट उठा ही नहीं सकती हैं। वो उन्होंने कहा कि 1 से 2 किलो भी वेट मैं उठा ही नहीं सकती। यस, आफ्टर इंजरी, गिरने के बाद? नहीं सर, ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा अचानक से ऐसा हुआ है। मतलब अच्छा, मतलब बैकएक का प्रॉब्लम है? यस सर, बैकएक एंड पल्पिटेशन। यस, सो ये आप दो चीज ध्यान रखें इसके अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पाज़म में आ गया पेशेंट, इसलिए वो सीधे नहीं, उसको टाइम लग रहा है विद पल्पिटेशन, देन यू हैव टू थिंक अबाउट नॉट कैल्केरियास, कैल्केरिया कार्ब, थिंक अबाउट दैट कैल्केरिया कार्ब। और उसके लिए मैं और एक बताता हूँ रेमेडी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट थिंक अबाउट सिंपल एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम, जस्ट थिंक अबाउट एस्कुलस, जो आपने डिस्क्राइब किया, पेशेंट गेट्स अप फ्रॉम द चेयर, वॉक्स बेंड एंड ग्रेजुअली कम्स अप, बट अगर विद पल्पिटेशन है तो यू मस्ट थिंक अबाउट कैल्केरिया कार्ब फर्स्ट। सर गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर जी। यस डॉक्टर, आप बोल रहे हैं यू आर फर्स्ट अ क्लिनिशियन देन अ टीचर, बट इट साउंड्स लाइक यू आर अ बेटर टीचर फर्स्ट एंड इक्वली अ गुड क्लिनिशियन। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट रियली हेल्प्स अस इन द प्रैक्टिस। और सर मेरा एक पेशेंट है, उन्होंने क्या बोल रही है, like the moment she is moving from her bed दुनिया हिल रहा है ऐसा हाँ, बोल रही है हाँ, तो इसके लिए कौन से मेडिसिन हेल्प हो सकता है? बेसिकली अगर आप देखा जाए तो पेशेंट अगर वर्टाइगो का पेशेंट है ओके, तो ये वो उठता है तो उसको लगता है पूरा पूरा ये गड़बड़ है। 4-5 रेमेडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपसे आपको इतना पूछना है कि स्लो मूवमेंट में तकलीफ हो रही, वॉलेंट मूवमेंट में तकलीफ हो रही, कि नॉर्मल मूवमेंट तकलीफ हो रही। अगर वो स्लो मोड में उसको लग रहा है वर्टाइगो और पूरा हल रहा है, द रेमेडी इज मेलिफोलियम। अगर पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल मोशन में इसको बहुत तकलीफ हो, देन यू मस्ट थिंक अबाउट ब्रायोनिया एल्बा, स्टेफेसेग्रिया एंड स्पॉन्जिया। पेशेंट बोलता है मैं सडनली उठता हूँ, सडनली उठ गया और बाई चांस मेरे को बहुत ऐसा लगता है पूरा घूम रहा, चक्कर आ रहा, थिंक अबाउट काली बाइक्रोम, थिंक अबाउट फॉस्फोरस एंड थिंक अबाउट कैल्केरिया कार्ब।